आपको पिछली वीडियो में मैंने तीसरी प्रमेय के बारे में बताया था और चौथी बताया था, इसका उल्टा है, देख लीजिएगा। अब हम आपको पांचवी प्रमेय के बारे में बताते हैं। पांचवी प्रमेय में बताया गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो होती हैं वो आपस में अनुपातिक हैं, समानुपातिक हैं, यानी उनके अनुपात बराबर दिए गए हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये त्रिभुज दिया गया है और दूसरा त्रिभुज ये एक दे दिया गया है। ये यहां पर पहला त्रिभुज एबीसी, डी ई एफ, ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ दिया गया है। इस तरीके से ये त्रिभुज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ज्ञात क्या है, पहले से ही ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में जो आपको दिया गया है, भुजाएं अनुपातिक दी गई हैं, यानी कोई कोण अगर एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर ए और डी को अगर हम ले लें, कोण ए और डी को ले लें अगर, तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण डी दिया गया है और इस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं यानी ए बी और ए सी, डी ई और ई एफ का अनुपात जो दिया गया है वो समान दिया गया, संगत भुजाएं, यानी यहाँ पर ए बी की संगत भुजा है डी ई और ए सी की संगत भुजा है डी एफ, ये दिया गया है कि ये आपस में बराबर दिए गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, ये समरूप हो जाएंगे, ये हमें प्रूव्ड करना है। यहाँ पर रचना में क्या लिखते हैं कि सबसे पहले दो भुजाएं ले लेते हैं, जैसा कि पिछली प्रमेय में मैंने लिया था, यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं किन्हीं दो भुजाओं पर, इस तरीके से ये आपका बिंदु जो है ये आपका एक हो जाएगा P और दूसरा हो जाएगा Q। सेम उसी तरह से यहाँ पर रचना लिख देते हैं, रचना में लिखेंगे कि AB बराबर DP व AC बराबर DQ लिया एवं PQ को मिलाया। ये इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद में जब यहाँ पर, अभी मैंने आपको उपपत्ति पहले बताई थी कि जब ये AB जो है DP के बराबर है, AC जो है वो DQ के बराबर है और यहाँ ये दोनों कोण संगत कोण यानी पहले से ही बराबर दिए गए हैं, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। उपपत्ति यहां पर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू से, ए बी जो है वो डी पी के बराबर है और ए सी जो दिया गया है वो डी क्यू के बराबर दिया गया है। यहाँ पहले से ही हमें ये रचना से हमने पता कर लिया है, ये दोनों चीज़ें रचना से आई हैं और कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर ऑलरेडी दिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम हो जाएंगे त्रिभुज डी पी क्यू के, ये साइड एंगल साइड, और ये जब यहाँ पर सर्वांगक्षम हो जाते हैं तो इसकी कंडीशन में क्या होगा कि जब ये सर्वांगक्षम हैं तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे डी पी क्यू के, ये समरूप भी हो जाएंगे और समरूप की कंडीशन में ए पी अपॉन डी ई ए बी, अब यहाँ पर जब ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो ए पी ए बी जो दी गई है
यहाँ पर, और ये भुजा आपको समानुपातिक एवं ये बताया गया है कि ए बी अपॉन ए ई सॉरी डी ई और ए सी अपॉन डी एफ डी एफ ये दिया गया है कि बराबर दिए गए हैं, ये इस तरीके से ये समानुपातिक दिए गए हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हैं तो यहाँ पर ए बी की जगह पर हम डी पी रख सकते हैं और डी क्यू की जगह वो ए सी की जगह पर हम डी क्यू रख सकते हैं। जब ये सर्वांगक्षम हैं तो इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी की जगह पर ए बी की जगह पर हम डी पी रख दें तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी ई और बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी ई हो जाएगा और ये ए सी की जगह पर हम रख दें डी क्यू तो यहाँ पर ये हो जाएगा। जब ये इस तरीके से है तो ये डी एफ हो जाएगा। इसका मतलब इसकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर हैं तथा कोण उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर हो जाएगा कि त्रिभुज डी पी क्यू डी पी क्यू समरूप होगा कि त्रिभुज डी ई एफ के डी ई एफ के। अब यहाँ पर ये समीकरण एक मान लीजिए और ये समीकरण दो, तो समीकरण एक व दो से अगर बात करें तो यहाँ पर जब ये इसके समरूप हो सकता है डी पी क्यू के समरूप ए बी सी है तो डी पी क्यू के समरूप डी ई एफ है, तो इसका मतलब कोई जो त्रिभुज दिए गए हैं समरूप हैं तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, जो आपको यहाँ पर पहले से ही सिद्ध करना था। ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो जाता है, आपकी जो पांचवी प्रमेय है वो यही सिद्ध करना था। अब आपको हम अगली प्रमेय यानी प्रमेय नंबर 6 अगले वीडियो में बताएंगे।